हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाई टेकिंग पंकज में। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिनके एडसेंस अकाउंट में कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है या इससे मिलता जुलता कुछ भी एरर आ रहा है। तो इस एरर को किस तरीके से हम फिक्स करेंगे, किस तरीके से इस एरर को हम सॉल्व करेंगे, वही हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एडसेंस से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड वीडियोस डेली प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि ये एरर जो होता है ये आता क्यों है। तो ये एरर इसलिए आता है, पहले आप पूरी बात समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपने कोई एडसेंस अकाउंट बनाया और आपने उसमें डिटेल भर दी, फर्स्ट टाइम आपने एडसेंस अकाउंट बनाया और उसमें आपने डिटेल भर दी और आपका एडसेंस जो है बन गया। अगर आप कोई दूसरा एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं, अगर आपने सेम डिटेल डाल दी जो आपने पहले एडसेंस अकाउंट में डाली थी, अगर भाई सेम डिटेल्स आपने दूसरे एडसेंस अकाउंट में डाल दी, तो आपका जो एडसेंस अकाउंट होता है उसमें कुछ इस तरीके से एरर आ जाता है। क्योंकि एडसेंस ये कहता है कि आप सेम डिटेल किसी दूसरे एडसेंस अकाउंट में यूज़ नहीं कर सकते अगर आप उसको पहले ही यूज़ कर चुके हो तो एडसेंस में, ठीक है। तो इस तरीके को किस तरीके से हम फिक्स करेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप सेम डिटेल किसी दूसरे एडसेंस अकाउंट में न डालें। आप चाहे तो अपने भाई, माता पिता या किसी अदर का यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो तब चेंज कीजिएगा जब आपका एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने कोई पहला एडसेंस का अकाउंट बनाया है, अगर आप लोग का वो बन गया, अगर आप दूसरा बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर दीजिए, उसकी जो कुछ डिटेल वगैरह हैं, नेम वगैरह है, वो चेंज कर दीजिए। और जब आपको उस पर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए उसके बाद आप चाहे डिटेल चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखना। तो ये देख सकते हैं ये मेरा ही एडसेंस अकाउंट है और मैंने दरअसल सेम डिटेल इसमें डाल दी थी, मैं ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बनाया था, वही डिटेल मैंने इसमें डाल दी, इसलिए एरर मेरे सामने आ रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपने जो भी जीमेल आपकी होगी उसके साइड में लोगो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर माई अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, या यहाँ पर 3 जो डॉट आपको दिख रहे हैं इन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको मैनेज पेमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो होगा आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। दरअसल नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, बारिश हो रही है ना, तो काफ़ी नेट स्लो चलता है बारिश के टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन सर्विस का, पेमेंट मेथड का, एड्रेस का, सेटिंग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा एड्रेस यहाँ पर हमने आकर डाला गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम अपने एडसेंस की पूरी डिटेल ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एडसेंस यहाँ डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सेटिंग पर क्लिक करके उसको डिलीट कर देते हैं, बाकी एड्रेस पर आकर के आप अपना एड्रेस देख लेना। तो सेटिंग पर हमने क्लिक करा और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो पेमेंट की प्रोफाइल होगी पूरी ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं पेमेंट की पूरी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हमें जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्लोज पेमेंट प्रोफाइल, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी रीज़न दे देना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपना एडसेंस का जो अकाउंट है वो क्लोज़ करना है, पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट करनी है। तो यहाँ पर जब आप क्लोज पेमेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप आएगा, यहाँ पर आप कोई भी रीज़न दे देना और उस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और क्लोज पेमेंट प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके जीमेल पर एक मैसेज आएगा, उस पर लिखा हुआ होगा योर एडसेंस मतलब डिसेबल तो नहीं होगा, मतलब कुछ और लिखा होगा, वो आप जीमेल में जा करके चेक कर लेना। फिलहाल अब हम करेंगे क्या कि हम अब अपनी जीमेल यानी कि अपना गूगल एडसेंस का वही अकाउंट ओपन कर लेंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो मैं वही एडसेंस अकाउंट यहाँ पर फटाफट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपना एडसेंस का वही वाला अकाउंट ओपन कर लिया है जो अभी अभी हमने ठीक करा था। तो जब आप अपना जो है एडसेंस की पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर दोगे
तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा और ये कहेंगे कि आप अपने पेमेंट के एड्रेस की डिटेल यहाँ पर फिल कर दें। अभी बिल्कुल न्यू एडसेंस अकाउंट आपका हो गया है, अब आपको यहाँ पर कोई डिफरेंट नेम का यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सब आप तो ये जानते होंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ विराट कोहली। विराट कोहली थोड़ा बनाया हुआ एडसेंस अकाउंट है ना, उसका नाम दे देते हैं। बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कोई भी रैंडम सा एड्रेस डाल देते हैं, रामपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैंने ऐसे ही डाल दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिटी हम डाल देते हैं बरेली, डाल देता हूँ क्योंकि बरेली से ही हूँ मैं। पोस्टल कोड हम डाल देंगे 24 31 22, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर फ़ोन नंबर ऑप्शनल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। और जस्ट सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब एडसेंस ये रिव्यू करेगा फिर से, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर सेम डिटेल यूज़ कर दी जो आप पहले यूज़ कर चुके हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप न्यू एड्रेस वगैरह डाल देना, न्यू चीज़ें यूज़ करना सभी में, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, नया एड्रेस डालना, नया नेम डालना, नया फ़ोन नंबर हो सके तो नया फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी ये जो इशू है ये 100% सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि ये मेरी साइट का यूआरएल है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा उसको, और इसका जो हमें मिलेगा क्या कोड मिलेगा वो अपनी साइट में पेस्ट करके मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा, तो ये इशू हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बस इसी को फॉलो कर लेना, ये जो आपका मसला होगा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करूँ ट्रिक टू अर्न, मेरी वेबसाइट का नाम है एक .xyz, ठीक है। मैं सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से कोड आएगा, ठीक है। और इस कोड को हम पेस्ट करेंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि यहाँ पर हमने सब कुछ ठीक करा है, ठीक है। तो ये सर्च कर रहा है, इन्हें कोड फाउंड कर लिया, गो इट पर हम क्लिक कर देते हैं। और गो इट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा ऊपर का जो मसला था वो सॉल्व हो चुका है और हमारी साइट जो है वो रिव्यू में जा चुकी है। तो इस तरीके से आपको अपना सारा सब कुछ सॉल्व कर लेना है, नया पेमेंट मेथड ऐड कर लेना और नई चीज़ों का यूज़ करना, मैं आपको पहले बता दूंगा, वरना फिर से भाई मसला आ जाएगा जो अभी सॉल्व हमने करा था, ठीक है। तो बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करने, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।